हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी मैंने लगा दिया मेरे फेस पे टोनर, इसको होने देती हूँ, थोड़ा पैट ड्राई, और फिर लगा दूँगी मैं मेरी सीरम, फेस सीरम, जो कि मैं विटामिन बी की यूज़ कर रही हूँ। टोनर भी मैंने विटामिन बी का ही यूज़ किया था। जब तक ये ड्राई होता है तब तक कुछ दूसरा कुछ करती हूँ। चिकू अभी नहा के आए, आज क्लीन शेव करके आए, और अंदर देखा तो इतनी सारी दाढ़ी सारी फुंसियों में फंसी हुई है। उधर साइड का मुँह दिखाओ, है इधर भी है, बारीक बारीक। हालांकि इनका फेस नीट एंड क्लीन है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक का विटामिन सी यूज़ कर रहे हैं और इनको अच्छे सूट भी हो रहा है, तो उस वजह से इनको पिंपल्स की तो प्रॉब्लम नहीं है, पर ये जो दाढ़ी आ रही है उस वजह से अंदर अंदर बाल फंस जाते हैं। और हालांकि दाढ़ी पूरी है, गोल्डन गोल्डन है, पूरी दाढ़ी दिखती नहीं है इतनी प्योरली। इतनी बार हम फोटो खींच खींच के ही बताते एक दूसरे को, देखो इधर से गोल्डन है, गोल्डन है। तो मेरा जो टोनर है वो सूख चुका है, और आप मेरा टोनर क्यों लगा रहे हो? लगा है नहीं, विटामिन सी। अच्छा, तो मेरा टोनर है वो अच्छे से ड्राई हो चुका है, अब मैं लगा देती हूँ मेरी विटामिन बी सीरम। अब ये 2-3 दिन में सही होगी पिंपल्स में। हाँ, क्योंकि और टोनर विटामिन सी का यूज़ करोगे तो ही सही होगी, क्योंकि विटामिन बी तो पिंपल्स के लिए, बट तुमको है विटामिन बी की। अब मैं फेस क्रीम लगा रही हूँ, विटामिन सी। सी यानी चिकू, बी यानी तुम मेरे को क्या कहते हो? बी से कुछ कहते हो? बेब्यू। अरे यार जबरदस्त है, सी यानी चिकू, बी यानी बेब्यू, बेब्यू के लिए विटामिन बी। व्लॉग बना रही हूँ, देखो आज से व्लॉग भी मुझे एडिट करने हैं और बनाने भी मुझे हैं, क्योंकि चिकू मेरे पे गुस्सा करते हैं रोज। विटामिन बी की फेस क्रीम लगा दी है। क्रीम लगाने के बाद सनस्क्रीन लगाने में यानी 1 से 2 मिनट का डिस्टेंस रखें, क्योंकि एकदम से आप लगा एकदम से ऊपर ही ऊपर आप अप्लाई कर दोगे तो जो इस क्रीम की गुडनेस है वो स्किन तक जाती नहीं है। और हो सकता है तुरंत आप क्रीम के साथ सनस्क्रीन लगा दो तो वो थोड़ी सी जलन करे, क्योंकि ये भी मॉइस्चराइजिंग है और उसके साथ भी मॉइस्चराइज़र है। सनस्क्रीन हमको धूप में जाने के लिए लगानी पड़ती है, और क्रीम है वो हमारे फेस को प्रोटेक्ट करने के लिए लगानी पड़ती है। तो आप दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझ गए होंगे, इसलिए दोनों में थोड़े टाइम का अंतराल रखें। खाना बन चुका है आज, क्योंकि स्किन केयर गया, फिर टाइम तो आज हो ही गया था। मैं लगभग 11 बजे कुछ खाना बनाने घुसी थी, 11:30 कुछ हुई थी, तो खाने में बनाया है आज एज ऑलवेज रोज का जूस बनेगा ही। इसमें है राइस, दाल, और ये बपड़ी, क्योंकि जूस के साथ बपड़ी अच्छी लगती है। तो अभी जस्ट मैंने खाना बनाया है, थोड़ी देर कमर सीधी करती हूँ, क्योंकि मुझे कमर थोड़ी दुखने आ गई है, थोड़ा झुकने में आ गया, इसलिए थोड़ी देर रेस्ट करके फिर खाना खा के फिर जाऊँगी शॉप पे। कल तो जा ही नहीं पाई थी। लंच हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ शॉप पर, और चिकू की वजह से आज हो गई हूँ मैं लेट, 1:18 हो गई। बाकी मैंने 12 बजे खाना बना दिया था, पूरे मुझे यानी 1.5 घंटे लेट किया है, जो मैंने थोड़े दिन पहले ब्रश धोए थे वो कम्प्लीटली सूख चुके हैं। तो इसको रख देती हूँ स्टोर रूम में, और ट्यूटोरियल बनाने का बहुत जल्द अब मुझे ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि ये टेबल है जो कि मैंने रिजेक्ट करके रख दिया है बाहर, तो इसकी वजह बनवाना पड़ेगा दूसरा टेबल। तो अंकल को बोल दिया है बना देंगे, पर जल्दी बना दे, और वो मैंने बहुत दिन हो गए मिरर क्लीन किए नहीं है, तो मिरर कर देती हूँ क्लीन। शॉप पे आने के बाद थी मैं थोड़ी फ्री, ये मुझे ब्रशेज रखने थे जगह पर ब्रशेज नहीं रखे हैं, और मैं बैठी थी और कुछ सोच रही थी कि क्या करूँ वीडियोस के लिए। थोड़ा बहुत जो न्यू सोचा है वो तो सोच ही लिया है, पर साथ ही साथ मैं आज निकाल देती हूँ मेरे जो लहंगे हैं उनके साथ ज्वेलरी, क्योंकि जो मुझे शादी में वेयर करना है वो सब मुझे पता तो है कि मुझे क्या वेयर करना है, पर उसके ऊपर ज्वेलरी कौन सी सेट होगी वो मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। तो थोड़ा थोड़ा डिसाइड करते हैं, और साथ में सेट करके रखना भी पड़ेगा, क्योंकि अब थोड़े टाइम के बाद आज 9 तारीख तो हो गई है, फिर मुझे पैकिंग करके भी रखनी है, क्योंकि मैं 25 को तो चली जाऊंगी कल्याणपुर, क्योंकि कल आ गया था पापा शादी का कार्ड देने के लिए आए थे, तो शादी का कार्ड भी मिल गया है, सो जाना भी जल्दी पड़ेगा बिकॉज भाई की शादी, तैयारी नहीं होना है, काम भी करना है वहाँ जाके, इसीलिए तो सारा जो भी मेरा पहनने का ज्वेलरी है वो मैं निकाल के साइड में रख देती हूँ, क्योंकि अगर वो मुझसे बाई चांस रेंट पे चला गया तो मेरी दिक्कत हो जाएगी। मेरी कुछ तैयारी कर रही हूँ, पर मेरी कुछ तैयारी तो कर ही नहीं पाई, क्योंकि क्लाइंट्स आ गए थे, तो फिर क्लाइंट्स को अटेंड किया। अभी जस्ट हुई हूँ मैं फ्री, वॉच वगैरह सब निकाल दिए, टाइम क्या हो रहा है पता भी नहीं।
बज रही। टाइम हो चुका है अब घर जाने का, हो गई है 6:57, तो 7 बजने वाली हैं, तो घर जाते हैं और फिर खाने की तैयारियां करते हैं। शॉप कर देती हूँ मंगल। क्या कर रहे हो? अपन खेल रहे। खेलो वो तेजी से पानी कम कर पा। लेला को मिल गई। लॉक करा है कमरा। प्याज मना तो मैं खा भी दूंगा हूँ। मेरे जूते ढूंढ रही हूँ क्योंकि पैर दर्द हो जाते हैं खड़े रह रह के, इसीलिए बना देती हूँ पूड़िया जब तक प्याज और ये आता है, क्योंकि पूड़िया बनाने में टाइम लगता है और प्याज की सब्जी या प्याज आलू की सब्जी जल्दी से पक जाएगी वो, तो मैं बना देती हूँ पराठे। तो खाना बन चुका है और खाने में आज आलू प्याज की सब्जी जो कि मुझे कम पसंद है, ये पराठे, ये पापड़। पापड़ साथ में इसलिए इस सब्जी को कवर करने के लिए सेका है ताकि सब्जी ना भी भाए तो पापड़ के साथ खा सकते हैं। आज व्लॉग मैं एडिट करने बैठी हूँ, मुझे पनिशमेंट मिल रही है। तो व्लॉग मैंने एडिट किया है, अब व्लॉग पूरा एडिट तो मैंने कर दिया है, अभी जो शूट कर रही हूँ इससे पहले का सारा एडिट मैंने किया है, पर चिकू फिर ऊपर से देख के छाट रहे क्योंकि आज मुझे पनिशमेंट मिली थी, तो वो पनिशमेंट मैंने कर दी है पूरी। पर मेरे को आज पता चल गया मैं सिर्फ व्लॉग्स बना सकती हूँ और अच्छे से अच्छे व्लॉग मुझे बनाने हैं और चिकू मेरे लिए सब तरीके की एडिटिंग करने के लिए तैयार है। आज मुझे पता चल गया कि एडिटिंग बहुत ही भारी काम है, जो कि गोप्रो से शूट करती हूँ मैं, कैमरे से शूट करती हूँ, इन सब को मर्ज कर करके एडिट करना हेड्स ऑफ है सच में। और आप जो मेरी वीडियोस देखते हो इतनी अच्छी अच्छी आपको लगती हैं, मेकअप के ट्यूटोरियल्स तो माइंड ब्लोइंग ही बनते हैं, बट जो ये डेली आप व्लॉग्स देखते हो वो सारे मेरे पति एडिट करते हैं जो कि बहुत अच्छे करते हैं। और आज मुझे पता चल गया कैसे एडिट होते हैं, क्योंकि जो पैर हैं वो तो जल जाते हैं बिल्कुल, जो कि मैंने एकदम छोटा व्लॉग है ये वाला एडिट किया है उसी में मुझे पता चल गया है कि कितना गर्म होता है लैपटॉप और चीज़ों, तो रेगुलर व्लॉग्स एडिट करते हैं, तो आज मुझे पता चल गया है अब से मैं पूरी मेहनत करूँगी, मैं ऑडियंस के सामने ये वादा करती हूँ। ठीक है, तो अब यहीं पर कर देती हूँ व्लॉग का एंड। अगर आज का व्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से व्लॉग में। ओके बाय।